सो हेलो फ्रेंड्स, सुबह को स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश क्लास 12th के पूरे चैप्टर से लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जितने भी हमारे पूरे चैप्टर से बता रहा हूँ, जितने भी हमारे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं उसको आज हम यहाँ पर देखेंगे कौन से सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और कौन से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे आने वाले हैं, उसी को आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बस आप वीडियो को अगर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको क्वेश्चन आंसर में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। बस इन क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है और बोर्ड एग्जाम में आपका काम हो जाने वाला है, तो बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो अगर आपको भी 95% लाना है तो आपको ये सब जो कि क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे ही। तो चलिए, और लेटर की बात करें तो कौन सा लेटर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको भी आज हम देखेंगे, कौन सा लेटर हम पढ़ें कि वो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले, तो उसको भी हम देखेंगे। तो बस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर की, तो सबसे पहले हम प्रोज से देख लेते हैं। तो प्रोज का सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो प्रोज से हमारे जो सबसे फर्स्ट पे आपका क्वेश्चन आंसर आ जाता है कि हु इज मुकेश, मतलब कि मुकेश कौन था, विस फैमिली ही बिलोंग, मतलब कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता था, डिस्क्राइब द माइजरेबल कंडीशन ऑफ देम एंड द रीज़न, मतलब कि उसकी जो दयनीय दशा थी उसके बारे में आपको बताना है, और यहाँ पे मतलब कि उसका कारण के साथ, मतलब कि उसकी दयनीय जो दशा है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो कि बहुत ही 100% जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला है, और यह जो कि पिछले साल भी पूछा ही गया था, ठीक है। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और देखिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आपको याद हो जाने वाला है, ठीक है। बस जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, बस केवल उसे आप पढ़िए, आपका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको यही करना है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट पे हमारा ये हो गया, तो ये आपको एकदम मतलब कि याद कर जाना है। देखिए, अभी आपके पास केवल 2 महीने बचे हैं, और आपको एक एक क्वेश्चन अगर आप डेली याद करेंगे तो भी आपका बोर्ड एग्जाम तक आते आते आपका याद हो जाने वाला है, ठीक है। तो इसको आप जोर से पढ़ लीजिएगा, और इन सभी का सॉल्यूशन भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है। तो बस आप वीडियो को लास्ट तक देखना। देखिए, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आया था कि व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस, मतलब कि जो डगलस है उनका जो फियर था वो क्या था, ठीक है। हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस, मतलब कि वो उसके जीवन में कैसे आया, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताना है। मतलब कि उसका फियर जो है वो क्या था और उसके लाइफ में मतलब कैसे आया, उसको भी आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो ये आपको जो कि एकदम याद कर जाना है। देखिए, ये मतलब कि एक एक क्वेश्चन आपको क्यों याद करने हैं एक एक चैप्टर से, ठीक है। तो आपको इस तरह से जो भी अब मतलब कि शॉर्ट भी अगर क्वेश्चन आंसर आया तो आपको उसी में से लिखना है जो आपको यहाँ पे याद हो जाएगा, ठीक है। तो उसी में से आपको लिखना है, तो मैं आपको बताऊँगा वो भी कि कैसे आपको इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो बस आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, उसके बाद से अगर नेक्स्ट आपको अगर ऐसे वही क्वेश्चन अगर आपको ऐसे पूछ दें कि हाउ डीप व्हाट द पुल, मतलब कि जो पुल था वो कितना गहरा था, और व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर, पानी के भीतर क्या था, तो ये भी आपको यहाँ पे बताना है। अब देखिए, अब यहाँ पे दोनों मतलब कि ये दोनों में से कोई भी आपको पूछ दे, ठीक है, डगलस से आपका कहीं भी इसमें क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आपको एक ही क्वेश्चन को लिखना है। अब अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द रैट ट्रैप सेलर, ठीक है, मतलब कि जो रैट ट्रैप सेलर था वो कौन था, और यहाँ पे बोला गया कि हाउ डिड मेक देम, मतलब कि वह क्या बनाता था, ठीक है। ये भी आपको यहाँ से बताना है यहाँ पे कि रैट ट्रैप जो सेलर था वो कौन था और वो क्या बनाता था, ठीक है। तो मतलब कि वही आपको जो चूहेदानी होता है वही बनाया करता था, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये भी आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो मैं तीनों को बताया हूँ ना, ये प्रोज से हमारा, और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर इनको आप पढ़ लेते हैं तो आपको प्रोज से काम हो जाने वाला है। उसके बाद से हम बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्री रीडर से। तो सप्लीमेंट्री रीडर में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन आता है कि द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिकेशन अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग कम टू बी ट्रू, मतलब कि जो टाइगर किंग था उसकी मौत के बारे में जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो ज्योतिषी हैं, उन्होंने क्या भविष्यवाणी की, ठीक है, मतलब कि क्या भविष्यवाणी सच हुई। और यहाँ पे बोला गया है कि डू यू एग्री विथ द स्टेटमेंट, और क्या आप इस मतलब की बात से या फिर इस कथन से सहमत हैं, ये भी आपको इसमें बताना है, ठीक है। मतलब कि उनकी जो भविष्यवाणी थी क्या वो सही हुई, ये आपको इसमें स्टेटमेंट में बताना है, ठीक है। तो आपको इसमें भी आपको ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आपको इसमें से एक क्वेश्चन जो कि देखने को मिलेगा ही। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज जियोफ ग्रीन, मतलब कि जो जियोफ ग्रीन था वो कौन था, और व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट, और उसने अपने छात्र को क्या ऑफर दिया, तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे बताना है आपको यहाँ पे कि जियोफ ग्रीन कौन था और उसने अपने स्टूडेंट को क्या ऑफर दिया। तो ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको यहाँ पे पढ़ जाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद से यहाँ पे सॉल्यूशन को भी देख लेंगे। उसके बाद से आपका अगला यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तीसरा वाला, कि
हु वॉज डॉक्टर सदाओ, मतलब कि डॉक्टर सदाओ कौन था, और हाउ डिड ही मीट हाना एंड मैरिड टू हर, और वह हाना से कैसे मिला और उससे कैसे शादी की। ठीक है, इसको यहाँ पे आपको बताना है कि मतलब कि वह सदाओ जो था वो कौन था और उसने हाना से कैसे मिला और उससे शादी कैसे की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे बताना है। तो ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए अभी मतलब कि पिछले साल से ही अभी यहाँ पे नया जो सिलेबस आया हुआ है, ठीक है, तो नया सिलेबस के हिसाब से आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको पढ़ना ही है। ठीक है, उसके बाद से हमारा अब बात कर लेते हैं, ये तो था हमारा क्वेश्चन आंसर में, अब बात कर लेते हैं लेटर में। तो लेटर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेटर्स हैं उसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए लेटर देखते हैं। तो देखिए, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेन द शॉर्टेज ऑफ बुक मैगजीन इन द लाइब्रेरी, मतलब कि आपको यहाँ पे कंप्लेन करना है जो बुक है और जो हमारा मैगजीन है वो हमारे लाइब्रेरी में नहीं है, मतलब कि उसकी कमी है, यहाँ पे शॉर्टेज है। ठीक है, तो उसको यहाँ पे उसके लिए हमको यहाँ पे कंप्लेन करना है, ठीक है, प्रिंसिपल को। तो इस पर आपको यहाँ पे लेटर एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, इसको आपको बढ़िया तरीके से याद कर लेना है। और देखिए मैं आपको बताऊँगा कि ये लेटर आपको कैसे लिखना है। और देखिए जो लेटर्स हैं वो मैं आपको ईजिली लिखना बताया हूँ, उसको आपको वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। तो वो भी यही वाला हमारा एप्लीकेशन है और बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसको आपको एकदम पढ़ जाना है और ये आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने ही वाला है। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट जो आ जाता है कि तो नेक्स्ट है हमारा दूसरा वाला कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी ब्रेकडाउन इन इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ योर टाउन। ठीक है, मतलब कि आपको यहाँ पे कंप्लेन करना है न्यूज़पेपर में। ठीक है, न्यूज़पेपर में आपको कंप्लेन करना है कि फ्रीक्वेंसी ब्रेकडाउन, मतलब कि जो लाइट है वो बार बार कट जाने के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और टाउन में, ठीक है, मतलब कि हमारे एरिया में, मतलब कि हमारे शहर में फ्रीक्वेंसी ब्रेकडाउन, मतलब कि लाइट के कट जाने के कारण हमको यहाँ पे कंप्लेन करना है, न्यूज़पेपर में जा करके कंप्लेन करना है। ठीक है, तो इस पर भी आपको लेटर जो कि पूछ सकता है। और देखिए दोनों जो लेटर्स हैं ये मैंने आपको पहले से बता करके रखा हुआ है और इसका आपको वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जितने भी मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताए उन क्वेश्चन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप उसे ईजिली यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और मैंने आपको बताया है कि कैसे आप ईजी तरीके से उन सभी क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो उन सभी क्वेश्चनों का आपको जाकर जो है देख लेना है ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत ना रहे। ठीक है, और आप इजीली क्वेश्चन को आसानी से कर सके क्योंकि हमारे 7-7 नंबर के क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आप याद कर लेते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी मान लीजिए उस चैप्टर से जो भी आप क्वेश्चन दें ना, बस आपको उसी जो आप लॉन्ग क्वेश्चन याद किए हैं उसी लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन को बना लेना है। ठीक है, तो बस एक चैप्टर में से आपको एक को याद करना है और उससे आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों को बना लेना है। ठीक है, मतलब कि लॉन्ग याद है तो आप शॉर्ट ईजिली बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जो प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि जब भी हम और भी ऐसे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।